नाजरीन सिंध असेंबली के इजलास में अरसा खिलाफ पेश कल करारदाद की तहरीक इंसाफ मुखालफत कर छी है। अधिक तफसील दे रहा है गुलशन शेख। जी गुलशन जी, मैं तक बुधा तो सिंधी असेंबली जो इजलास स्पीकर आगा सराज दुरानी के सदारत में थो। इजलास में आपाशी कातिल के सूबाई वजीर सुहेल अनवर चाल इरसा के खिलाफ करारदाद पेश कई। करारदाद में उन्हें मौकफ इरसा धुरबण के करे सिंध का पानी मामले से ना इंसाफी कर रही है। उन करारदाद में मुतालबो किया सिंध के 91 पानी मुआवजे तहत पानी दिनों वे जै करारदाद की असेंबली में मौजूद तहरीक इंसाफ के एम पी ए सख्त मुखालफत कई और उन्होंने तो वफाक सिंध के पूरा हिस्सो दे रो है पर पानी पानी जया कर रही है। नॉन स्टीम कोटी का हेठ जो पानी वे तो वो टोटल के बाद जया रो है। जैसे जो है जज्बाती दीन सुहेल अनवर चाल जो जो भी सिंध से ना इंसाफी कह या सिंध के हकल में धाड़ो हणो असा उनके घर में दाखिल जैसे जो है सुहेल अनवर चाल जज्बाती थी कर तरीके इंसाफ के जो है एम पी एस दा वो जैसे जो तू तू मेमे थी ए मेंबर उनके छाए वरतो जैसे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सूबाई वजीरन तकरीर कर मुतालबो किया तो फौरी तौर से इरसा 91 पानी मुआवजे तहत सिंध के पानी जो हिस्सो दिनों वे पंजाब के भी पवो पानी मामले से 70 सैकड़ो इन वक्त जो है ज़रात पंजाब की है जैसे तो असानी जो है सिंध में सिर्फ 30 सैकड़ो वही ज़रात बची है। इन कर सिंध बंजर थी पे वे फौरी तौर से सिंध के जो है पानी जो पानी वो हिस्सो दिनों वे उन्हीं ऐवान जो है वह करारदाद जो इरसा के खिलाफ हुई और जैमें मुतालबो हो तो 91 पानी तहत के बाद सिंध के पानी जो हिस्सो दिनों वे उ मंजूर कर छी। जी गुलशन अमां जी महरबानी।